गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया हुआ। तो गाइस जो आपने शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप की रील्स बना के रील्स पे अपलोड करोगे तो उसको जाहिर सी बात है आपके जो अच्छे खासे व्यूज है आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने दोस्तों कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि कंप्लीट तक देखोगे तभी आप इस टाइप की वीडियो को बना पाओगे, ठीक है। कोई भी दोस्तों मिस्टेक हो जाती है तो वीडियो आपकी पूरी खराब हो जाएगी। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने VNF को डाउन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, VNF को ओपन कर लेते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, न्यू पैक पे आते हैं, वो फोटोज पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आपने करना है जिस भी पर्सन की फोटो बनाना है उसकी आपने एक फोटो ले लेनी है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ पे इस पर ओरिजिनल पे क्लिक करके यहाँ पे 9060 सेलेक्ट कर देना है, और नीचे आपको मिल जाएगा क्रॉप का ऑप्शन, यहाँ पे भी 9060 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इसके लेंथ को थोड़ा सा हमने बढ़ा देना है, और लास्ट में जो ब्लैक सा पार्ट है इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे आएंगे, और प्लस वाला आइकन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप चेक फॉर्म वीडियो पे आएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे वीडियो मिलेगी ये वाली, इस पर दोस्तों जैसे आप क्लिक कर दोगे इसका जो म्यूजिक है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके पे जैसे तो यहाँ पर मेरे को दिखाया था, मैंने पहले से कर रखा है, तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, देखिए आ चुका है। म्यूजिक बीट्स पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बीट्स को लगाना है, देख सकते हैं कुछ बीट्स हैं। तो पहले वाली बीट देख सकते हैं आप लोग 0.91 सेकंड पे है, और जो दूसरी वाली बीट है वो 1.48 सेकंड पे, जो तीसरी वाली बीट है वो 1.75 सेकंड पे, और जो फोर्थ वाली बीट है वो 2.00 सेकंड पे, और फाइव वाली बीट है वो 3.05 सेकंड पे, और सिक्स वाली बीट है वो 3.55 सेकंड पे, और सेवन वाली बीट है वो 3.83 सेकंड पे, और जो एट वाली बीट है वो 4.32 सेकंड पे, और जो नाइन वाली बीट है दोस्तों वो 4.56 सेकंड पे, और 10 वाली बीट है दोस्तों वो है 4.91 सेकंड पे, और 11 वाली बीट है वो 5.82 सेकंड पे, और 12 वाली बीट है वो 6.83 सेकंड पे, ठीक है। इस स्टेप से अपने बीट्स को लगा लेना है, तो यहाँ पे लग जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, जहाँ जहाँ पे बीट है उसके नीचे आपने कट लगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो जहाँ जहाँ पे कट लग रहा है वहाँ वहाँ पे लगाना है दोस्तों। कहीं कहीं पे दोस्तों यहाँ पे देखिए कट नहीं लगेगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपने पहले तो जहाँ जहाँ पे कट लग रहा है वहाँ वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देख सकते जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे लग रहा है पहले वहाँ पे लगाना है दोस्तों। कुछ जगह यहाँ पे लग चुका है, आप क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे लेके आना है, इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से इसको यहाँ पे क्रॉप करते आना है, फिर इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे, फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरफ से आपने अपने कर लेना हो, यहाँ पे ये वाली जो बीट इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, इस डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे बनाते आना, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस पर हम कर लेते हैं, डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया, इसको इस तरीके से कर देंगे, फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, उसकी लेंथ थोड़ा बढ़ा देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से इसकी लेंथ को यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसको इस तरीके से कर देना है, फिर हमने डुप्लीकेट और बना लेना है इसका, ठीक है, इसको इस टाइप से कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो फोटो दिख रही लास्ट वाली, जहाँ तक आपका म्यूजिक वहीं तक इसको रखना है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इतना यहाँ पे दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आएगी होगा आपने क्या क्या करना है। एंड दोस्तों एक बात और क्या करना है, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट बना लेना, ये देखिए डुप्लीकेट आ चुका है। अब डुप्लीकेट को फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, ऊपर कर देना, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है ये, और इसको दोस्तों आपने थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। ये जो आपकी दूसरी वाली बीट दिख रही है यहाँ तक इसको रख लेना है, ठीक है। सो बस आपके करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिरर फ्लिप का ऑप्शन, इसको फ्लिप कर देना है, इसको फुल कर देना है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, लोप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग वाला लगा देना है, इसकी लेंथ को पूरा बंद कर देना है, ठीक है। और इतना दोस्तों हो गया आपको। अब यहाँ पे जितनी आपको यहाँ पे दिख रही है इसमें सब में इफेक्ट लगाने हैं दोस्तों, कौन कौन से इफेक्ट कहाँ पे लगाने हैं मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं लगा देता हूँ फिर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं लगा लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने सभी इफेक्ट को यहाँ पे मैंने लगा लिया, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले वाली जो फोटो है इस पर मैंने आपको बताई दिया था इसमें क्या लगाना है, और नीचे वाली जो फोटो दोस्तों इस पर क्लिक करना है, जूम पे आना है, और यहाँ पे अपने मूव राइट वाला लगा देना है, ठीक है। और अगले वाली जो फोटो इस पर क्लिक करना है दूसरी वाली पे, इसमें मूव लेफ्ट वाला लगा देना है, और जो तीसरी वाली दोस्तों ये इसमें अपने मूव राइट वाला लगा देना है, और जो फोर्थ वाली है इसमें अपने मूव लेफ्ट वाला, और जो फिफ्थ वाली दोस्तों ये वाली बड़ी वाली इस पर आना, FX पे क्लिक करना है, और वाइट वाला लगा देना, लेंथ पूरी जीरो कर देनी इसकी, और इसी में दोस्तों आपने लगा देना जूम पे क्लिक करके, जूम आउट वाला, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है, FX पे आना है, जूम आउट वाला लगा देना है, और इसी में दोस्तों आपने जूम पे क्लिक करके
आपने कोई सा नहीं लगाना है, ठीक है। और इस पर दोस्तों आपने देख सकते हैं ये वाला जूम पे क्लिक करके आपने जूम आउट लगा देना, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके अपने वाइट वाला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसी में दोस्तों आपने जूम इन वाला लगा देना है। और इस पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग एफएक्स कौन सा लगाया मैंने, वाइट वाला, लेंथ पूरी जीरो कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे जूम पे क्लिक करके मूव लेफ्ट वाला लगा देना है। और इसी पे दोस्तों जूम पे क्लिक करके मूव राइट वाला, और इसी पे दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको ब्लैक वाला लगा देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे वाइट वाला लगा देना, लेंथ पूरी जीरो कर देनी है। और ये वाला जो ऑप्शन है फोटो दिख रही है इस पर क्लिक करना है, जूम पे क्लिक करना है, जूम आउट वाला लगा देना है, ठीक है, इस टाइप से। और अगला वाला दोस्तों ये देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है, एफएक्स पे आना है और जीटे वाला लगा देना है, ठीक है। और अगला प्लस वाला आइकन है इस पर वाइट वाला लगा देना है। और ये देख सकते हैं आप लोग ये वाला लास्ट वाला, इस पर क्लिक करना है, जूम पे आना है और यहाँ पे जूम आउट वाला लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो बस दोस्तों बन के कंप्लीट हो गई है। और इफेक्ट वगैरह का दोस्तों लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, अब आसानी से वहाँ पे फिल्टर जो है लगा सकते हो, ठीक है, उस इफेक्ट का। तो यहाँ पे मैं एक बार चला के दिखाता हूँ कि इस टाइप से हमारी जो वीडियो बन के आई है, ठीक है। सो गाइस इस टाइप से इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। सो गाइस एक्सपोर्ट कैसे करना है बहुत आसान है, आपने ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपकी जो वीडियो होगी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।